ओ कुकरनाग मिस्टर इरशाद अहमद मौजूद है। उन्होंने आज पूरे इलाके का दौरा किया क्योंकि इनको मैसेज मिली थी शायद कहीं ना कहीं इक्के दुक्के जो है लॉकडाउन कर्फ्यू जो है उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, और आज उन्होंने खुद पूरे इलाके का दौरा किया। और कश्मीर में सर शुक्रिया, मैं एक ही मैसेज इन लॉकडाउन ब्रेकर्स को देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ अपनी ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल रहे हैं, ये यहाँ की आवाम की ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हैं, तो इनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे जो भी इस लॉकडाउन की वायलेशन करते हुए पाया जाएगा। इसके अलावा मेरी जनरल मासेस से यही अपील है, यही गुजारिश है कि वक्त की नज़ाकत को समझें, क्योंकि इस वक्त जो है ये कर्फ्यू ये नॉट कर्फ्यू है, इट इज़ केयर फॉर यू, ये लोगों की केयर के लिए। और लोगों को खुद समझना चाहिए कि जो दूर अफ्तादा गांव हैं अगर इसमें कोई एक भी बंदा जो है पॉजिटिव घुस गया बीच में तो उस गांव की हालत क्या होगी आप अच्छी तरह जान सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त दिल्ली में 600 कुछ हॉस्पिटल हैं लेकिन जगह कहीं नहीं मिल रही है। इसके बरकस हमारे पास यहाँ पे हेल्थ केयर की फैसिलिटी आप सबको पता है किस दर्जे की है, अगर हम उस स्टेज पर जाके पहुँचे तो हमारा क्या हाल होगा। तो ये लोगों को खुद ही समझना चाहिए कि हमें इस लॉकडाउन का अच्छी तरह पालन करना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इनको बहुत अच्छी तरह कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन इनकी बहबूदी इनकी फलाह के लिए है, न कि ये किसी के ऊपर जुल्म है। क्योंकि लॉकडाउन जो है अगर लॉकडाउन नहीं किया जाएगा तो आप देख रहे हैं कि पीछे थोड़ी सी रिलैक्सेशन जो पास्ट में हुई तो हमारे पास सेकेंड वेव में कितने आ गए। और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो म्यूटेंट वायरस आया हुआ है ये म्यूटेंट वायरस क्लोज्ड एनक्लोजर्स में ज़्यादा अटैक करता है, इसमें इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस जो पहला हमारे पास जो वायरस था। इसलिए लोगों को अजहद बचने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं पिछले वक्त में यहाँ का डेथ रेट क्या था और आज क्या है, पीछे वक्त में 8-9 बंदे एक दिन के मरते थे लेकिन आज जो है ये तकरीबन 70 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। तो मेरी आवाम से यही गुजारिश रहेगी कि हमेशा लॉकडाउन का पालन करें, ये आपकी बेहतरी के लिए। थैंक यू। संगे साथ SDPO कुगरनाग, और इनका क्लियर मैसेज है कि जो भी लॉकडाउन ब्रेक करेगा हम उनको FIR काटेंगे और उनको अंडर द सेक्शन उनको जो है जेल में डालेंगे। और आखिर में हमारी भी ये मैसेज है कि इस लॉकडाउन का पालन करें जितना हो सके आपको, कि दिस इज द ओनली वे वी कैन ब्रेक डाउन दिस कोरोना वायरस एंड एपिडेमिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग कश्मीर एक्सप्रेस।